हेलो फ्रेंड्स, मैं अशेख शर्मा, मैं सभी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूब वेब सीख में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन लाया हूँ, जिसमें आप अपना जो रेलवे का टिकट है वो बुक कर सकते हैं, वो भी घर पे बैठे। बस इसमें आपको दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक लॉगिन मतलब एक पासवर्ड और एक आईडी की, वो पहले आपको बनाना पड़ता है। तो मैं वो भी बना के दिखाऊँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में होती है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद तो कोई भी बात नहीं, उसके बाद तो और सब आसान होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लॉगिन पासवर्ड में। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जो एप्लीकेशन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और आप यहाँ पे जो मतलब ये जो एप्लीकेशन है, ये रेलवे की है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी आपकी रेटिंग भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसमें क्या क्या है, मैंने पहले ही से खोल चुके हैं, पर मैं आपको पहले स्टार्टिंग में आपको लॉगआउट करके दिखाता हूँ कि इसमें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनाने, क्योंकि वही दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। क्योंकि मैंने जब लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाई तो कम से कम मुझे आधा घंटा लगा था, केवल आधा घंटा लग गया था मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने में। तो मैं पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। यहाँ पे हम चले जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप कई सारे जगहों पे मतलब जो बुकिंग के लिए है, एयरक्राफ्ट के लिए बहुत सारे हैं। तो मैं केवल नॉर्मली ट्रेन का टिकट तो मुझे चाहिए, मुझे ज़्यादा हाई फाई उसका नहीं चाहिए, तो मैं केवल ट्रेन पे टिकट बुक कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मेरी जो जो आईडी है वो दिखाई दे रही है, पर पासवर्ड नहीं दिखाई दे रहा। पासवर्ड मेरे पास है, मैं पासवर्ड मैंने जो बनाया है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉगिन कैसे मतलब कैसे आपको जो अपना क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए, पहले तो ये मानते हैं आपका यूज़र नेम। तो आप देखिए, यूज़र नेम में क्या होता है ना, आपको ऐसा कोई नेम डालना है जो ना हो। बट दोस्तों मैं बता दूँ, देखिए रेलवे वेबसाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आपके नाम का डुप्लीकेट नाम बहुत सारे होंगे, इसलिए आप बहुत ही यूनिक वर्ड या यूनिक नेम यूज़ करिए। जैसे कि आपको मैं बता दूँ अपने नेम में, जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है, तो ए बी लगाने के बाद आप कुछ यूनिक ट्राई करिए, मतलब एक्स जेड लगा दीजिए, फिर उसके बाद कुछ नंबर्स डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 8989, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपका देखिए यहाँ पे हरा हरा लिख के आने लगा, अगर वो चीज़ जैसे कि अगर आपका नाम जो है किसी से सिमिलर होगा या मिलता होगा, तो यहाँ पे रेड लाइन मतलब रेड कलर का लिख के आने लगेगा। जैसे कि मैं अभी आपको पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ये कुछ पासवर्ड डाला है और नेक्स्ट करता हूँ, तो देखिए पासवर्ड पे लाल मतलब लाल रंग का दिखाई देने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाल रंग का है इसलिए दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि ये आपका सही नहीं है। इसलिए आपको इसको और भी मतलब अच्छा मतलब जो भी आपको लगे कि इससे अच्छा पासवर्ड आप डाल सकते हैं, तो आप वो पासवर्ड ट्राई कीजिए। तो आपको मैं बता दूँ, आपको जैसे कि आप यूज़र नेम जानते हैं कि थोड़ा सा अलग होना चाहिए, थोड़ा हट के होना चाहिए, वैसे ये भी होना चाहिए। और ऊपर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 8 वर्ड से 15 वर्ड का होना चाहिए। और आप पासवर्ड डालते समय मतलब एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए पहला वर्ड आप कैप्टन से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद आपको जैसे कुछ भी डालना, थोड़ा सा यूनिक ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ पे ये ना कभी लेते नहीं है जल्दी पासवर्ड को, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप पासवर्ड और डाल, फिर आपको नेम डालना रहता है, फिर आपको मेल भी मतलब ये सब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यूज़र नेम और पासवर्ड। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और जो भी आपके आईडी है वो डाल के आपको नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद का मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैंने पहले से अपनी लॉगिन आईडी बनाए रखी है, तो मैं आप उस पर ले जाता हूँ। उसके बाद भी आपको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे आपको नंबर डालना पड़ता है, एक ओटीपी आता है, और क्या कहते हैं, और इसमें जैसे कि आपको पता होता डालना पड़ता है, बहुत सारे काम है वो आप कर लीजिएगा। बट मैं बता दूँ, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बट एक बार बन गया तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा कि जैसे कि है, तो मैं आपको इस चीज़ को हिडन कर दूंगा या फिर इस चीज़ को कट कर दूंगा, पासवर्ड और लॉगिन को, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ताकि आप देख सकते हैं कि ये कुछ खुल गया है। फिर इसके बाद आपको फोर पिन डालना पड़ता है कंफर्म करने के लिए, तो वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने 22 डाला है, क्योंकि जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं है तब तक आप ये नहीं डाल सकते हैं। तो आप पहले तो इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप इसमें देखिए बहुत सारे हैं, बट आप जैसे कि यहाँ पे माई बुक मतलब आपने जो टिकट बुक किया होगा वो आप देख सकते हैं, और
फिर आप यहाँ पे देखिए, आपको ट्रेन जैसे कि जहाँ से आपको जाना है वहाँ तक आप बुक कर सकते हैं। नीचे आप डेट कंफर्म कर सकते हैं कि किस डेट को आपको चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पड़ा हुआ है तो मैं इसका स्कैन जैसे कर लिया, तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी ट्रेनें दिखा रही हैं कि इतनी सारी ट्रेनें हैं उस डेट में, या उस यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे स्लॉट भी देख सकते हैं, कौन सा मतलब कौन सी सीट आपको चाहिए। फिर आप उस पर क्लिक करिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए कि कितने रुपए का टिकट है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि लिख के आ गया है कि कितने रुपए आपका टिकट है। फिर उसके बाद आपको मतलब जैसे आपको यहाँ से डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मतलब यहाँ से आप जब जो भी आपको मतलब जैसे आपको जो भी सीट चाहिए उस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं बाय नाउ, मतलब जो भी आपको जिस तारीख का चाहिए। अब यहाँ से बाय नाउ करने के बाद भी थोड़े बहुत कंडीशन, उसके बाद आप लॉगिन करके आप कर सकते हैं और यहाँ से मतलब ये देख सकते हैं। और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ट्रेन को देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहाँ तक होती है और क्या क्या है उसके बारे में। और यहाँ से आप जो आपका टिकट है अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको PNR नंबर चाहिए, वहाँ पे आप डाल के देख पाएंगे कि जो आपका टिकट है वो कंफर्म हुआ है कि नहीं। तो बस दोस्तों यही थी पूरी जानकारी इस ऐप के बारे में। होप आपको ये ऐप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि आप रेलवे के साइट पे एक बार जाएंगे तो आप वहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें जल्दी लेता नहीं है। बट दोस्तों ये ऐप मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि इसमें आपको तुरंत ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है और बहुत ही जल्दी काम करता है वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि वेबसाइट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट दोस्तों इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो बस दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए हैप्पी।